देखा जानती उतना ही जितना जीने के लिए सांस लेना और दिल के लिए धड़कना। मैं तुझसे हूँ माँ, तू मेरी दुनिया है और मेरी दुनिया तू और तेरा परिवार, जिन्हें मैं हमेशा खुद सीखना चाहती थी। बस इसीलिए मैं सोनाक्षी को समझा रही थी और शायद वो मेरी बात का बुरा मान गई। मैं उसकी शिकायत नहीं कर रही हूँ, तुम दोनों के बीच कोई कही सुनी नहीं करवाना चाहती मैं। बस थोड़ा दुख होता है, माँ होने के नाते मैं उसे समझा रही थी तो क्या वो अपनापन नहीं है? क्या मैं सिर्फ तेरी माँ हूँ? बहू बेटी से कम होती है क्या? पर इतने सालों में शायद उसने मुझे अपनी माँ ही नहीं माना। माँ तुझे अपना मानती है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ बस आजकल थोड़ी उस पर भी ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई, इसीलिए शायद उसने ऐसा कह दिया। तू परेशान मत हो। के लिए मुझे फूल लेने हैं, लेकर आती हूँ। देव तू मेरे साथ है, ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बाकी किसी बात की मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मुझे पता है सब कुछ अच्छा होगा। आयुष के दादा के घर से मैंने कुंडली मंगवा ली है, देख लीजिए। बहुत परेशानी में मेरा पोता घर तो आ गया भगवान की कृपा से, पर अभी तक हम सबसे जुड़ नहीं पाया है। हम सब बहुत कोशिश कर रहे हैं पर हम उसके दिल में हमारी जगह ही नहीं बना पा रहे, और हम उसे भी अपने लिए भरोसा दिलवा ही नहीं पा रहे हैं। अब आप देखिए, कुछ उपाय बताइए आप। बालक का नामकरण संपूर्ण तरीके से नहीं हुआ है, इसमें राशि दोष है। अच्छा, लेकिन चिंता करने कोई बात नहीं, इसका उपाय हमारे पास है। बालक का नाम कुंडली के हिसाब से रखना होगा और कुंडली के हिसाब से इनकी वृषभ राशि बनती है, और इनकी राशि का पहला अक्षर वा अथवा बा से हो तो उत्तम होगा। आप बालक का नाम बदल दीजिए, ईश्वर की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। जी पंडित जी, बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं ना वैसे ही करूंगी मैं। अक्षर भी बड़े अच्छे आए हैं, पता है वैसे वेद, आयुष का नाम बदल कर हम वेद रखेंगे। वेद में देव समाया, देव में वेद, देव को उल्टा पड़े तो वेद ही होता है ना। अभी उत्तम वो मेरा नाम चेंज कर देंगे, आई एम आयुष, मम्मी पापा ने रखा, मैं नहीं चेंज करूंगा कभी नहीं। हाँ चलो कुछ खेलते हैं, ला ला ला।
मंजूरी आंटी, वो कह रही थी मेरा नाम चेंज करवा देंगी। दादी ने कहा तो तुम अपना न्यू नेम सर्च करना शुरू करो, क्योंकि इस घर में वही होता है जो दादी कहती है। मैं अपना नाम कभी चेंज नहीं करूँगा, यहाँ नहीं रहना। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ ना अपने घर वापस। मैं थोड़ी आना चाहता था। चलो नाश्ता तैयार है, चलो चलो नाश्ता करने चलो। और पता है मैंने आज नाश्ते में क्या बनाया है? हमारे पसंद के पराठे, तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। चलो। मुझे नहीं खाना आंटी, भूख नहीं आंटी। अरे भूख कैसे नहीं है बेटा, खाओगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? मेरा बढ़ता बच्चा है ना तू। और सुन आंटी, मत बोलो ना मुझे, मुझे दादी बोलो ना, मैं दादी हूँ ना तुम्हारी, बोलो दादी। देखो जितनी जल्दी तुम्हें आदत लगेगी ना उतना अच्छा है। हाँ चलो बोलो दादी, बोलो ना दादी, बोल ना बोल। आप सिर्फ मेरी और शुभ की दादी हो। मैं तुम सबसे बड़ी हूँ ना, सभी मेरे बच्चे हो। जैसे मैं तुम्हारी शुभ की गोलू की दादी हूँ ना, वैसे इसकी भी दादी हूँ, है ना? बोलो ना दादी, बोलो दादी, बोलो। इन्वेस्टर्स की फिक्र मत करो, वो मैं अरेंज कर लूंगा, काम रुकना नहीं चाहिए। और इस प्रोजेक्ट में मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। या मैं कॉल करता हूँ। आयुष क्या हो बेटा? आओ अंदर आओ बैठो, चाहिए था। आयुष बेटा, किसी ने कुछ कहा आपसे? आप बालक का नाम बदल दीजिए, ईश्वर की कृपा आनी शुरू हो। आयुष का नाम बदल कर हम वेद रखेंगे। आपको पता है जब मैं छोटा था और कुछ बुरा होता था तो या तो मैं बहुत गुस्सा करता था, या तो रो देता था, या तो सारी चैलेंजेस को फेस करता था, उनका सामना करता था। हाँ लेकिन शेयर करने में मुझे भी प्रॉब्लम होती थी। बट यू नो व्हाट, आपके पास मैं हूँ, आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। ईश्वर आते हैं ना। एक सेकंड अभी आया। हाँ मिस्टर बत्र, मैं अभी मेल करूँ। एक सेकंड बेटा। सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप जानते हो वो मेरी माँ है, आप उसको दादी बुला सकते हो। उन्होंने भी यही कहा था। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है वो आपसे बहुत प्यार करती है, उतना ही जितना आपकी दादी आपसे करती है। अब बताओ क्या बोल रहे हो? I'm so sorry बेटा, लास्ट कॉल, बाय। लेकिन कैसे बताऊं आपको, मुझे नहीं पसंद कि ईश्वरी आंटी मेरा नाम चेंज करे। तो आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरे घर के इर्द गिर्द भी तुम नजर आए ना तो तुम्हारी जो बिजली की तारे रखी मैंने तुमने उसी से बांध के तुमको वापस भेज दूंगा मैं। बाबा बाबा, मैंने ही उसे बुलाया क्योंकि माँ इसे बुलाती थी। पिछले कई सालों से अपने यहाँ भी यही काम करते हैं और पिछले 6 बार तो बाथरूम का काम इन्होंने ही किया है। हाँ पर अब मैं 7वीं बार ठीक करने नहीं आऊंगा, नया बनवाओ तो उसे लगाने आ जाऊंगा। अरे तुझे आता जाता क्या है, है? हर बार तूने मेरी भोली भाली बीबी को बेवकूफ बनाया है, तभी तो एक चीज को 6-6 बार ठीक करने की जरूरत पड़ती है। आप जाइए आप जाइए, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। अरे क्या बुलाता हूँ बाद में, मैं ठीक कर दूंगा, चलो निकलो। एक पंखा ही तो है घर में, कोशिश कर रहे हैं तो क्या नहीं हो जाता। हर बात में इलेक्ट्रिशियन, छोटा सा पंखा है। बाबा सब लोग हम पे हंसते हैं, सारे इलेक्ट्रिशियन कहते हैं
कहते हैं कि ऐसा एक ही घर देखा है जिसके बाथरूम में फैन लगा हुआ है। अरे तो हमारा घर है, हमारा बाथरूम में एयर कंडीशनर लगे, पानी के जहाज चले, एक्वेरियम रहे उसके अंदर, क्या दिक्कत है? अब छोड़ दीजिए, आपसे नहीं होगा वो। होगा और नहीं हुआ ना तो तुम मेरा नाम बदल दे। तो आपके साथ साथ मुझे अपना भी नाम बदलना पड़ेगा। बाबा मैं देव के ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ लोन बिल्डर्स के फाइल्स और पेपर्स उन्होंने मंगवाए थे वो मैंने रेडी करके रखे हैं। यस हो गया, देख अब चालू करता हूँ।